क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले की पहली पारी में 40 रन बनाते ही मार्टिन गप्टिल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। रोहित शर्मा ने इस मैच में 30 गेंदों पर छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी पारी में रोहित शर्मा ने जहां 5 छक्के ठोके वहीं 4 चौके भी लगाए। रोहित शर्मा ने इस मैच में 34 गेंदों पर 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से तूफानी 64 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पांचवें टी20 मुकाबले में जैसे ही 2 चौके लगाए वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में भी दूसरे नंबर पर आ गए हैं और उन्होंने मार्टिन गप्टिल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही शानदार ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वन क्रिक। दोस्तों इसमें काफी सारे ऐसे गेम्स है जिसपे आप पैसे लगा के जीत सकते हैं, जैसे कि कसिनो हो गया, लॉटरी हो गया। सिर्फ इसमें आपको नॉर्मली रजिस्टर करना है और दोस्तों जैसे आप रजिस्टर होते हैं आपको 100 से लेकर 1000 का बोनस भी मिल जाएगा। और दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को इस ऐप के लिए रिफर भी कर सकते हैं और दोस्तों आपका फ्रेंड भी अगर किसी को रिफर करेगा उसके पैसे भी आपको मिलेंगे, यानी कि एक चेन की तरह आपको रिफर अमाउंट मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे विड्रॉ करना भी काफी आसान है, सीधे पैसे आपके बैंक में आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। आपको बता दें टी20 नेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम दर्ज है जिन्होंने 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा के अब 2859 रन हो गए हैं। वहीं मार्टिन गप्टिल तीसरे नंबर पर हैं जिनके 2839 रन है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में भी विराट कोहली नंबर एक पर हैं, उन्होंने 279 चौके अब तक लगाए हैं। वहीं रोहित शर्मा के अब 252 चौके हो गए हैं। वहीं मार्टिन गप्टिल के नाम 250 चौके हैं। आपको बता दें रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने पांचवें मुकाबले में गजब की ओपनिंग शुरुआत की और दोनों ने पहले विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी कर दी थी। आपको बता दें इस पार्टनरशिप में रोहित शर्मा सबसे तेजी से रन बना रहे थे और अपना अर्धशतक लगाने के बाद वो और भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था टी20 करियर का अपना एक और शतक जड़ देंगे, लेकिन बेन स्टोक्स ने उन्हें पारी के 9वें ओवर में बोल्ड कर टीम इंडिया को न सिर्फ पहला झटका दिया था बल्कि इंग्लैंड टीम को पहली विकेट भी दिलाई थी।